हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सनमाइका पर सनमाइका कैसे लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमने सिंगल पीस वाइट माइका लगा दिया ऑफ वाइट बाहर पे, तो ये बाहर का पीस है। तो यहाँ हम लगाएंगे ब्राउन सेम इसके साथ का जो ये साइड में लग रखा है और डोर पे लग रखा है। ये देखो दोस्तों, ये होती है कलम माइका काटने वाली। तो हम इससे पहले इसका जो बेस है रफ एंड टफ करेंगे, उसमें हल्के हल्के खड्डे पाएंगे। दोस्तों अब देख लो, हमने इसको अच्छे से खुर्च दिया। अब हम इस पे रेग मार लगाएंगे ताकि जो उसका माड़ा मोटा आगे पीछे जो है वो एकदम बराबर हो जाए। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको साफ करना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो रफ एंड टफ हो गया। अब हम इसको ऐसा हीटेक से लगाएंगे। हमने इसका ये पीस कटिंग करके रखा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ऐसे यहाँ से यहाँ लगेगा ऐसे ही। चलिए दोस्तों, हम आपको ऐसा लगा के दिखाते हैं इस पर कैसे लगाना है। ये होता है ऐसा हीटेक्स। ये आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटा मोटा सा रखना है। इतना पतला भी नहीं, इतना मोटा भी नहीं, ताकि इसकी भी एक लेयर अच्छी से बन जाए माइका पे भी और कपबोर्ड पे भी। देखो दोस्तों, हमारा माइका की शीट पे पूरा ऐसा लग चुका है, कहीं से सूखी नहीं है। अब हम आपको इस पे ऐसा लगा के दिखाएंगे बॉक्स के ऊपर। आपने इस पे भी मोटा मोटा लगाना ताकि जो इसकी हमने एक बीच में कटिंग की है इसमें भी ऐसा अच्छे से फिल हो जाए। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखो दोस्तों, हमने इस पे ऐसा लगा दिया अच्छे से। अब ये गीला है, जब तक ये सूखेगा नहीं, जब तक इस पे माइका की शीट नहीं लगानी है आपने। अब आप इसका इंतज़ार करें। दोस्तों ये देखो, ये अच्छे से चिपक गया है। ये देखो, ये पूरा है सॉलिड है एकदम, ये नहीं छूटेगा। जैसे थोड़े 10-15 मिनट में और सूख जाएगा, ये बिल्कुल एकदम सॉलिड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।